गांव जिसे आपने पैसा कमाने के लिए जिसने आपने छोड़ा था, जो गांव पराई करने के लिए जिसने आपने छोड़ा था, वो गांव तो देखते हैं। दिस इज त्रिपुरा एंड द कैपिटल ऑफ अगरतला। जिस जगह पर आपने बचपन गुजारा, वो गांव सुनते ही दिल खुशी से भर जाता है। एंड तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल सोलोमन व्लॉग। तो आज के इस वीडियो में मैं गांव का कुछ नेचुरल सीन्स दिखाने वाला हूँ। तो ये जो आप पीछे देख पा रहे हो, ये है मेरा गांव का रास्ता। आप जब इस रास्ते से मेरा गांव आएंगे, बीच रास्ते में आपको जंगल ही जंगल आपको देखने को मिलेगा। और जैसे कि आप देख पा रहे हो, इस रास्ते में जंगल ही जंगल है। और इस जंगल में खतरे ये है कि बहुत सारे जानवरों का खतरा रहता है, लेकिन मुझे डर नहीं लगता है। मेरा तो रोज़ का आना जाना है, आपको भी डरने की कोई बात नहीं है। और वीडियो को अच्छा लगा तो यार एक लाइक कर दीजिएगा और साथ में ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ताकि मेरा हर आने वाले वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचने के लिए। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मुझे फॉलो नहीं किया तो अभी जाकर फॉलो कर लीजिएगा। और तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरा एक दोस्त से बाल कटवाने जा रहा हूँ। बाल कटवाने से पहले मेरा लुक जो है कैसा है, अभी हम टूपी खुल के दिखा देता हूँ। ये जो है मेरा अभी लुक है, देख सकते हो। मैं पिक्चर भी अभी दिखा दूँगा,
पिक्चर भी सेल्फी लेके दिखाऊंगा। उसके बाद बाल कटवाने के बाद फिर कैसे देखते हैं। देखिए मेरा बाल जो है पूरा लंबा लंबा हो गया है, बहुत दिनों से मैंने बाल कटवाया नहीं है। तो बाल कटवाने के लिए मेरा दोस्त के घर आया हुआ हूँ। बहुत ही ऊंचा ऊंचा पहाड़ है। तो भाई हमने फाइनली मेरा बाल कटवा लिया है। कैसा लग रहा है देख सकते हो, पहले का वाला व्यूज़ और अभी का वाला व्यूज़। मैं कैंची और सीजर लाने भूल गया था, तो मेरा दोस्त का घर से कलेक्ट करके बहुत मुश्किल से ढूंढ के मैंने सीजर को लेकर आया और उसके बाद मैं बाल कटवाया। मेरा शरीर में पूरा बाल लग गया था पूरा शरीर में। उसके बाद मैं थोड़ा नहा के अभी फ्रेश होकर मेरा बाल को अभी फ्रेश करके आ गया हूँ। ये है हमारा प्यारा सा तोता पक्षी, इसे पालने के लिए घर में ले आया गया है। बच्चे कल ही उसको लाया गया है जंगल से, देख सकते हो इसको खाने दिया जा रहा है। वैसे खाने में जब यहाँ है इसको चावल को पाउडर करके उसको खिलाया जा रहा है। तो आज फिर मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो ये है हमारा चार्ज आईसीआई यानी इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ इंडिया का चार्ज। जैसे कि आपको बताया था हर संडे और सैटरडे में लोग चार्ज में आते हैं, तो आज है संडे, हम लोग चार्ज पे। चार्ज खत्म होने के बाद अभी चार्ज का अंदर तो अलाउड नहीं है, तो फिर मैं बाहर से दिखा दे रहा हूँ। अभी यह है हमारा चार्ज, हर संडे में लोग आते हैं। तो अभी हम आपको इसके बाद गांव का कुछ फुटबॉल फील्ड दिखाने जा रहे हैं, तो देखते रहिए भाई साहब। इस तरह का जो इंसेक्ट है उसका नाम नहीं पता है, देखिए बड़े मुश्किल से उसको पकड़ के लाया हूँ जंगल से। इसको क्या कहलाता है हिंदी में, इंग्लिश में बड़े मुश्किल से गूगल में सर्च करके इसको क्या बोलते हैं, टन्ना जापोनिसिस कहते हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। मई से लेके ये जून जुलाई अगस्त तक इस वाला जो इंसेक्ट है, इस टाइप वाला इंसेक्ट जो है बहुत शोर मचाता है। सुबह सुबह ये सोने भी नहीं देता है, ये सुबह का 4 बजे से ये अलार्म बजना शुरू हो जाता है। क्या खाता है और क्या पीता है इसको अंदर में कुछ भी नहीं है, फिर भी इतना शोर मचाता है। कुछ इस तरह से पैर में रह के बहुत शोर मचाता है, देख सकते हो। अभी तो फिलहाल ये चुप बैठा है, बहुत शोर मचाता है हर तरफ जो है। अभी शोर मच रहा है, किस वजह से ये कहाँ से आता है ये उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। तो भाई साहब इधर है हमारा जो फुटबॉल का मैदान, और यहाँ पर गांव का लोग फुटबॉल खेलते हैं, और फुटबॉल खेल के तो ये था आज का इस वीडियो। तो मेरा वीडियो का मकसद मेरा गांव को पूरा टूर करवाना था, तो मैंने टूर करवा दिया। और वीडियो को अच्छा लगा तो यार अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर। बेल आइकॉन होगा तो बेल आइकॉन को भी दो।
आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से ही मैं आगे जा पाऊँगा, एक एक की सपोर्ट की वजह से मैं आगे जा पाऊँगा। तो दोस्तों के साथ शेयर करिए वीडियो को। तो मिलते हैं फिर ऐसे ही वीडियो के साथ। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।